अच्छा आज हमने पापा से पूछा, पापा ये बताओ सरकार इतने कदम उठाती है आखिर में रखती कहाँ है? तो पापा बोले मिडिल क्लास वालों की छाती पे। मेरी मानो तो दारू की होम डिलीवरी शुरू कर दो, कचड़े की गाड़ी हर गली हर मोहल्ले में जाती ही है, बस वो वाला सिस्टम कर दो। दारू वाला आया घर से बेवड़े निकाल, दारू वाला आया घर से बेवड़े निकाल। इश्क और कोरोना एक ही बात है भाई साहब, क्योंकि जब तक खुद को ना हो जाए मजाक ही लगता है। राम राज में दूध मिला था, कृष्ण राज में घी, मोदी राज में दारू मिला है, दूरी बना बना के पी। ये तो ठीक हुआ कोरोना 2020 में आया, अब कहीं 2002 में आ जाता तो कसम से वही नोकिया के मोबाइल में सांप वाला गेम खेल के दिन गुजारने पड़ते। मीडिया वाला मोदी जी से पूछ गए कि मोदी जी अब हमेशा रोते में कहे या स्पीच देते हैं, तो मोदी जी कहलखिन कि अरे हम पीएम हैं, पीएम यही से रात में आते हैं, एम रहते था ना दिन में आते। अगर मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है तो जबरदस्ती का नाम मोदी जी रख दें। 2019 के लास्ट में एक गाना आया था, बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे, तब हम लोग समझ नहीं पाए आखिर में वो गाना नहीं उस ससरा 2020 की चेतावनी थी। 300 केस थे तब लॉकडाउन कर दिया, 70,000 केस हो गए, दुकानें खोल दी, इसीलिए हम भारतीयों को खतरों का खिलाड़ी कहते हैं। हमरा तो डर लग रहा है कि कहीं मोदी जी आके ई ना बोल देथिन कि भाइयों बहनों भोड़ में जाओ, हमरा से 27 कंट्रोल ना हो रहा, कंट्रोल हो जाओ ना भाई, घर में रहा ना हो भाई। हेलो कौन? मोदी। अच्छा मोदी जी, मैं आपको ही फोन करने वाला था। क्यों झूठ बोल रहे हो? बात यह है कि साइकिल का चैन फंस गया है, क्या करूं? सुनिए, चाहे जो हो जाए चेन को तोड़ना है। धन्यवाद, मैं अभी लोहार के पास जा रहा हूं। घर से बाहर नहीं निकलना है।